बांटने का एक सामान्य सा तरीका, ज्यादातर मैं इसी तरीका को इस्तेमाल करता हूँ। और मुझे तो शायद, मुझे लगता है मेरा इष्ट इष्ट भी मेरा प्रबल है या जो भी है, लेकिन मुझे तो बता देता हूँ और अगला हाँ बोलता है। जैसे मान लीजिए, अब मुझे किसी के पैतृक संपत्ति के बारे में कुछ देखना है। मैंने क्या देखना है? किसी के पैतृक संपत्ति के बारे में देखना है। अब आप लोग अपने कुंडली देखिए, जहां पर सूर्य है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, मंगल भाई का कारक है, बुध जो है मामा का कारक है, और बृहस्पति आपका बेटा संतान का कारक है, संपत्ति का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, शनि नौकर का कारक है, शनि आपके बिजनेस का कारक है, ठीक है, और राहु शनि जो है दुख का कारक है, शनि दुख का कारक भी है। तो आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने, आपके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि सर ये देखिए कि मेरे जो फादर है उनके मेरे साथ का रिलेशन कैसा है, या आपके पास कोई व्यक्ति आया और आपने क्या किया? रिकॉर्डिंग हाँ जी, रिकॉर्डिंग लगाया। हाँ जी, लगा दिया। कुछ नहीं करना है आपने, आपने उस व्यक्ति के, अभी क्योंकि आपको ग्रहों के गुण धर्म भी हमने पढ़ा दिया, हाउस के बारे में भी थोड़ा पढ़ाया, लेकिन मैं अभी कुछ और थोड़ा लार्जेस्ट कुछ ऐसी बातें हाउस के बारे में बताऊंगा। पहले मैं एक छोटा सा, मैं आपको फलित करने का एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि अब हम फलित की ओर जा चुके हैं। जैसे आपने ये देखना है कि मेरे इस व्यक्ति के फादर के बारे में थोड़ा देखना है, तो अब हम क्या करेंगे, उसका जो सूर्य है जहां बैठा है उसके दसवां गिन लो, सूर्य से दसवां देखो, उसके फादर के कर्मों को देखने के लिए दसवां देख लो, या सूर्य से नेगेटिव ग्रह, सुनिए मेरी बात, सूर्य सूर्य से कौन से हाउस में ज्यादा नेगेटिव ग्रहों का इफेक्ट है, ध्यान से सुनिए, आपकी कुंडली में जहां सूर्य है उससे कौन से हाउस में, आप सूर्य को लग्न बना लो, चलो उसके बाद के बाकी जो ग्रह है उस ग्रह को आप वहां रख लो। फर्स्ट हाउस में सूर्य जिस राशि में है उस राशि वाले नंबर को फर्स्ट हाउस में लिख लो। जैसे मेरा फिफ्थ हाउस में सूर्य है सिंह राशि में, तो मैंने 5 नंबर यानी सिंह राशि मैंने फर्स्ट हाउस में लिख दिया। उसके बाद 6 सेकंड में हो गया, 7 थर्ड हाउस में हो गया, 8 फोर्थ हाउस में हो गया, ऐसे करके मैंने हाउस लिखा। और उसके बाद जो जो भी ग्रह हमारा है जिस जिस राशि में, उसको हमने उसी उसी राशि में डाल दिया। अब हम यहां से हमारे फादर के बारे में देख रहे हैं, या उस व्यक्ति के फादर के बारे में देख रहे हैं। अब उस कुंडली का सेकेंड हाउस उस व्यक्ति के फादर का संपत्ति या उसके बाणी, उसके विद्या, उसके बाणी और संपत्ति उसके सूर्य से सेकंड हाउस होगी। अब देखिए कि वहां पर अच्छे और बुरे किस तरह के ग्रहों का प्रभाव है। वहां से अब आप अपने सूत्र आप लगाते जाओ। जैसे मान लीजिए आज मेरे पास एक कोई व्यक्ति आया था, एक लड़की की कुंडली लेकर के, और उसके कुंडली में लग्न फर्स्ट हाउस में जो भी लग्न हो वो हमने उसको दरकिनार किया। मैंने देखा कि इसके सिंह लग्न में शुक्र बैठा हुआ है। अब उसके मैंने देखा, कुंडली लेके आ गए और मैंने क्या देखा, लड़की का एज 27 एज है, लड़की का एज 27 है, 27 साल की लड़की है। और मैंने क्या देखा कि कुंडली में जो बृहस्पति का उसका दशा चल रहा था, भीमसुतरी दशा बृहस्पति का चल रहा था, और किसी भी स्त्री के लिए पुरुष को यानी कि शादी कराने के लिए लड़का ढूंढ करके लाने वाला ज्यादातर शुक्र ही है, किसी पुरुष के लिए बृहस्पति है स्त्री के लिए, तो बृहस्पति का दशा चल रहा था। अब मैंने जब देखा कि लड़की के जहां सूर्य शुक्र बैठा है, क्योंकि लड़की का जहां शुक्र, जहां पर लड़की का शुक्र बैठा है,
जहां पर लड़की का बृहस्पति बैठा है, क्योंकि बृहस्पति उसके पति है, तो उस लड़की के बृहस्पति से अष्टम हाउस में मैंने प्लूटो, राहु और कुछ दूसरे ग्रह मैंने देखा। एक तो उसके कुंडली में और उसके ट्रांजेक्शन में भी। अभी बृहस्पति आई थिंक अभी शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में शनि है, तो शनि भी उसके एट हाउस में शनि है, ट्रांजेक्शन में जा रहा है, ऐसा समथिंग कुछ था। तो मैंने कहा कि क्या इस लड़की के रिश्ते नहीं हुआ और आप रिश्ते के लिए मेरे पास आए हो? तो उसने कहा यस, क्योंकि बृहस्पति का दशा चलना और बृहस्पति से आठवां एक नेगेटिव ग्रह होना और ट्रांजेक्शन में बृहस्पति उसके सेवंथ हाउस में आ जाना। अभी मीन राशि में है शायद बृहस्पति, तो ऐसा ये कुछ ऐसे योग है जो कि हमें निर्देश दे रहा था कि इस लड़के की शादी की बात चल रही है और शादी नहीं हो रही, क्योंकि बृहस्पति शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ये द्वादशेश, ये सभी विच्छेदात्मक यानी योग को छुड़ाने वाले ग्रह है। तो मैंने कहा कि क्या इस लड़की के रिश्ता अभी होते होते टूटा है? तो वो तो सारे खुश हो गए, क्या बात है महाराज, टूट गया सारा रिश्ता, अब आप बताइए कैसे जोड़े, क्योंकि शनि उसके जो है कि उस हिसाब से बैठा हुआ था। मैंने उसके कुंडली में भूल गया अभी कौन सा किधर किधर बैठा था, लेकिन ऐसे समथिंग कुछ था उसके बृहस्पति से। एक तो बृहस्पति का दशा चल रहा था, बृहस्पति अंतर दशा, और वो बृहस्पति अभी मीन राशि में है और वो जो है बाकी शनि उसके सेवंथ में या एट में होकर के कुछ नेगेटिव प्रभाव से बैठा हुआ है। तो ये हो गया। इसी तरह से आप लोग भी अपने कुंडली में देखिए, आपके मम्मी के बारे में देखना है, मतलब किसी को ना जैसे चकित करने वाली बात होती है, कौन देखा चंद्रमा, चंद्रमा से चौथा, अब फोर्थ हाउस क्या है, किसी का दिल है, किसी का मन है, फोर्थ हाउस से देखते हैं ना हम, किसी का दिल, किसी के मन की बातें, उसके जमीन, उसके विचार, हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो अगर उसके चंद्रमा से फोर्थ हाउस में राहु है, केतु है, शनि है, द्वादशेश है, रोग कारक कोई ग्रह है, मृत्यु कारक कोई ग्रह है, आकर के उधर अगर बैठा है तो गया, उसके मम्मी को वैसा ही नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर वहां पर कोई शुभ योग है, शुभ अच्छा कोई स्थिति है, तो आप बोलिए हाँ जी आपके मम्मी का ऐसा है क्या, थोड़ा वाणी की सिद्धि भी होनी चाहिए, मतलब इसके लिए ना। अब ये देखो क्या चीज है, मुझे नहीं मालूम, ये वाणी की सिद्धि है, निरंतर करने से ऐसा हो जाता है, लेकिन ये ऐसा मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। और मैंने एक चीज और देखा हुआ है, और ये क्या चीज है मुझे नहीं मालूम, जब हम किसी, ये अचानक होने वाली चीज है, जैसे कोई एक आदमी मेरे पास आया कुंडली दिखाने के लिए, वो किसी प्रारब्ध से आया है मेरे पास, किसी ने भेजा है उसको, मतलब ऊपर वाला ने मेरे पास भेजा, एक योग बना जब भी वो मेरे पास आया, नहीं तो नहीं आता था कभी, आया ही नहीं कभी भी, आज वो मेरे पास आ रहा है। तो है ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिस जो हमारे हम दोनों के बीच में मिलन करा रहा है, वो प्रारब्ध है, वो बलवान है, ऊपर वाले को मालूम है कि ये ज्योतिषी है, ग्रह गोचर के बारे में जानता है, तभी तो उसके उसके मन में वैसी प्रेरणा आ गया कि वो आपके यहाँ कुंडली दिखाने के लिए आ रहा है। बिना उसके दिमाग में ऊपर वाला की प्रेरणा ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं तो कोई एरे गेरे से क्यों नहीं हो गया, कोई सामान्य आदमी के पास क्यों नहीं गया, वो मेरे ही पास आया, इसका मतलब कुछ तो प्रेरणा उसको मिला ऊपर वाला से। जब मिला है तो ऊपर वाले ने मुझे भी कुछ प्रेरणा देगा उस वक्त जब मैं उसकी भविष्यवाणी करने वाला, बस भगवान का नाम लो और इस युक्ति को आप वहां पर लगाओ, उसको आप चकित कर सकते हो। और इस तरह से चकित करने के लिए यही चीजें बड़ा जबरदस्त काम करता है, ग्रह से ग्रह, एक कारक ग्रह से दूसरे कारक जो फल है उसमें जाना। जैसे चंद्रमा से फोर्थ हाउस में मैंने कहा कि उसके भावना कैसी है माँ की, फोर्थ हाउस में चंद्रमा से जहां चंद्रमा बैठा उससे फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में उसके माँ के पेट,
सेकेंडरी उसकी एजुकेशन, वहां से सिक्स उसके माँ के बारे में बीमार, सेवंथ चंद्रमा से सेवंथ उसके माँ यानी आपके फादर के साथ उसके माँ का रिलेशन, उससे एट आपके माँ के बारे में अचानक होने वाली कुछ ऐसे एक्टिविटीज, चंद्रमा से नवम माँ का भाग्य, उसका धर्म कर्म, उसका भाग्य, वहां से दशम। तो वही सारी चीजें आप लेकर के चलते जाओ, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सर ये ज्यादा एग्जैक्ट चंद्रमा से देखने पे पता चलेगा या चौथे घर से देखने में पता चलेगा? चौथे घर से भी देखना है, चंद्रमा से भी देखना है। चंद्रमा से देखने पर ज्यादा ज्यादा मतलब उसका रिस्पॉन्स हमें, मुझे तो ऐसा दिखाई दिया। सर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में लेना है ना उस वक्त? फर्स्ट हाउस में चंद्रमा लेना, चंद्रमा से गिनना है बस, चंद्रमा से गिनना है। माँ के लिए चंद्रमा, पिता के लिए सूर्य, हाँ जी, और भाई के लिए मंगल, मामा के लिए बुध। बिजनेस जैसे आपने देखा कि मेरा दुकान मेरा बिजनेस, तो जहां पर बुध है, बुध जो है व्यापार का बिजनेस का है प्रतीक। मेरा बैंकिंग सेक्टर, मेरा बैंक में रखा हुआ संपत्ति डूबेगा कि नहीं, तो जहां पर बृहस्पति है उससे सेकंड हाउस देखिए जरा, कुछ नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है क्या। अब वहां पर हम अपने युक्ति से दिमाग लगा करके नक्षत्र, उसके मालिक, कुछ इस हिसाब से हम वहां पर देख सकते, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ ये जो मैंने आपको बताया था कि ये चह के एक सिद्धांत है, वो बड़ा जबरदस्त है चह के, उसके हिसाब से मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ, ये आप प्रिया प्रिया एक तो मैंने भेज दिया। अब देखिए जरा फर्स्ट हाउस से क्या क्या देखना है, रूप, निधि जी क्या हाल है आपका, आपको आ रही है कि नहीं समझ में? जी सर, मुझे लगता है कमजोरी आ रही है कुछ एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी सर, है ना कुछ कमजोरी? मुझे लग रहा है, क्योंकि आप पहले अच्छा बोलते थे, आप कम बोलने लग पड़े। हाँ थोड़ा मुझे भी पर आपको समझ में नहीं आया, चलिए बताइए। अभी जो समझा रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा पहले वाला मुझे नहीं समझ में आया था, बीच का। पहले वाला कौन सा? जब हम ये भाव और वो पहले पढ़ रहे थे ना कि इससे ये देखना है, अब मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर मैं दोबारा आ रहा हूँ। देखो कल एक तो मैंने आपको बताया था कि भाव के बल के बारे में, देखिए जरा फर्स्ट को हमने लग्न भाव बोला, तो नंबर बाय नंबर जो मैंने आपको फोटो देखिए जरा कल मैंने डाला था, नंबर बाय नंबर ये सारी बलवान है। सबसे कमजोर भाव है सेकंड हाउस और ट्वेल्थ हाउस एंड में, ये क्योंकि पर फलदायक कमजोर हाउस है, ये हाउस ही बड़े कमजोर है। उसके नंबर में सेकंड नंबर में सिक्स एट और ट्वेल्थ हाउस, ये षडाष्टक पाप स्थान बोलते हैं इसको पाप स्थान बोलते हैं। मतलब इस हाउस में कोई ग्रह रहता है, इस हाउस का कोई राशि है, समझ लो कि वो स्वयं से कमजोर है, वो पापी है। पापी का मतलब नेगेटिव इफेक्ट करने वाले, नेगेटिव प्रभाव देने वाले। मतलब इस 6, 8, 12 में कोई भी हो, कोई भी, अच्छा सब पापी है, सब पापी है। 6, 8 और 12 सबसे ज्यादा खतरनाक है, 8 हाउस उस मामले में। 6 हाउस रोग देता है, रोग मीन्स किसी को कोई व्याधि दे रहा है, सिक्स हाउस शत्रु दे रहा है, रोग दे रहा है, झगड़ा दे रहा है, सिक्स हाउस। एट हाउस जो है वो तो साक्षात मृत्यु दे रहा है, मृत्यु का कारक है, अचानक कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, एट हाउस मृत्यु। मृत्यु का मतलब है, मृत्यु का मतलब है कि मर जाना, किसी ऐसी चीजें हो जाना है ना, मृत्यु, नाश, लॉस, नष्ट हो जाए। ट्वेल्थ हाउस का मतलब है लॉस है, लॉस का मतलब है आप बिजनेस में धोखा खा लिया, पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है, छोड़ गया, पति ने छोड़ दिया, विच्छेद हो गया है, डिवोर्स हो गया है, विदेश जाना पड़ रहा है,
मतलब कुछ छूट रहा है, कोई चीजें छूट रहा है, ट्वेल्थ हाउस कुछ चीज छूट रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कुंडली है, मेष राशि है, मेष राशि फर्स्ट हाउस में है, तो ट्वेल्थ हाउस का राशि क्या हुआ, मीन हो गया। मीन का मालिक कौन है निधि जी? अब मेरा फोकस मीन गुरु, पहले अविनाश जी थे, अब आप। हाँ जी गुरु। हाँ मीन का मालिक है गुरु। अब द्वादश का मालिक गुरु होने का मतलब हो गया बारहवें नंबर और दूसरे नंबर यानी सेकंड हाउस और ट्वेल्थ हाउस को हमने क्या माना है, पर राशि फलदायक। पर राशि फलदायक का मतलब कि ट्वेल्थ हाउस का जो बृहस्पति अगर मालिक है, पहले बात तो नाइन्थ हाउस का जो अच्छी बुरी जो बातें हैं वो बृहस्पति बताएगा। अब बृहस्पति किस कंडीशन में है वो हमने अभी सीखा नहीं है, वो बली है, कमजोर है, वो सारी चीज अभी हमने सीखा नहीं है। लेकिन जस्ट एक बात है कि बृहस्पति अगर किसी को कुछ देगा अच्छा या बुरा, तो वो नाइन्थ हाउस के हिसाब से देगा, ना कि ट्वेल्थ हाउस के हिसाब से। पहली बात, अगर बृहस्पति किसी दूसरे हाउस से होकर के ट्वेल्थ हाउस में चला जाता है तो उस हाउस का लॉस करेगा। मतलब जैसे हमने लग्न, वो लग्न कुटली बनाई, तो अगर ये 11th, आपने बोला कि मीन 12th हाउस में बैठा है, 12th हाउस का मालिक गुरु है, और उससे जो 9th हाउस है उसमें भी धनु राशि होती है, तो उसमें लेकिन कोई मीन से 9 नहीं, फर्स्ट हाउस। अच्छा 9 फर्स्ट हाउस, जैसे देखो बृहस्पति के दो घर है, बृहस्पति का एक धनु राशि एक मीन राशि। हाँ जी, सूत्र बोलता है कि दूसरा और बारहवें हाउस का जो मालिक है वो पर राशि फलदायक। अब फिर दूसरे राशि के फल देंगे, दूसरे और बारहवें राशि के मालिक होंगे तो उस राशि। अब बारहवें हाउस का मतलब क्या है, जैसे अभी समझा दो, जैसे किसी का सेवंथ, अभी देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हाउस लग्न में है यानी मेष लग्न है, फर्स्ट एक नंबर वाला राशि फर्स्ट हाउस में होने का मतलब है कि मेष लग्न हो गया आ गया समझ। मेष लग्न होने का मतलब सेवंथ हाउस यानी पत्नी के घर में कौन सा राशि हो गया, तुला हो गया। तुला का मालिक कौन है, शुक्र है। अगर यह शुक्र ट्वेल्थ हाउस में जाके बैठता है तो क्या हो गया, सेवंथ का लॉस हो गया। अच्छा, यानी पत्नी स्थान को हानि कर रहा है। अगर सेवंथ हाउस का मालिक सेकंड हाउस में जाता है तो पत्नी से बेनिफिट दे रहा है, पत्नी से संपत्ति मिल रहा है। अच्छा, पत्नी से संपत्ति, जिस हाउस से कहीं जा रहा है तो उससे बेनिफिट, पत्नी से पत्नी के पराक्रम। अगर सेवंथ का मालिक थर्ड में जाता है तो पत्नी का पराक्रम, फोर्थ में जाता है तो पत्नी का मन मेरे मन के साथ कैसा है, एट में जाता है, सेवन का मालिक एट में जाता है तो पत्नी की मृत्यु। अच्छा, सेवन का मालिक सिक्स में जाता है तो पत्नी से झगड़ा। ठीक है, ऐसे ही सिक्स के मालिक जब सेवेंथ में जाते हैं तो वहां पर भी यही है कि झगड़ा का एक गोला पत्नी के घर में पहुंच गया। ओके, झगड़ा का एक गोला, मृत्यु। अष्टम का मालिक मृत्यु सेवेंथ में चला गया तो वह ग्रह जब भी उसका समय आएगा तो पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। अब ये कितना देगा या देगा या नहीं देगा वो डिपेंड करेगा वो जाने वाला ग्रह किस टाइप का है, जाने वाला ग्रह कैसा है, कितना बलवान है, शुभ है अशुभ है, अच्छे ग्रहों के साथ योग कर रहा है, नवांश में अच्छे भाव में है, चंद्र कुंडली से अच्छे भाव में है, षष्ठांश में अच्छा है, और अगर ऐसा है तो ये वैसा नहीं, ये फिर कुछ उस भाव से जुड़े हुए अच्छे फल देगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो एट हाउस है उस एट हाउस से हम देख सकते समुद्र यात्रा है ना, जैसे कि आप सीप में बैठ करके कहीं जा रहे हो, ये हम एट हाउस से देखते हैं। तो अगर एट का मालिक
सेवंथ में जाता है, अभी मत लिखिएगा, वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। अगर एट का मालिक में जा रहा है और सेवंथ में जा करके गया तो है सेवंथ में, लेकिन बहुत जबरदस्त अच्छा वहाँ जाकर अच्छा हो रहा है, वहाँ जाकर अच्छा मतलब कि बाकी आप में भी अच्छा काम कर रहा है, अच्छे पोजीशन में है, तो यही बात है कि वो अच्छे पोजीशन में है कि नहीं। ओके, सुबह है तो वही चाहे वो किसी भी भाव का हो, सीधी सी बात है। अगर सुबह नहीं है तो बुरे भाव का फल बहुत बुरा होगा, अच्छे भाव का फल कम बुरा, बहुत अच्छा, कम बुरा होगा। अगर बुरा होगा फल देना है तो बुरे भाव का फल बहुत अधिक बुरा होगा, फल बहुत कम बुरा होगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? जी हाँ। अभी 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 आपने अब देखना है, देखिए अब इसी आधार पर आप लोग किसी की कुंडली देखिए, अविनाश जी, सुनील कुमार जी, मनोज जी, किसी की भी कुंडली आप अपने सामने रखिए और उसके बाद देखिए कि क्या उसके सेवंथ। उसके बाद हमने एक चीज को देखना है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की हमने फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बातें देखना, फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं कि उसके ग्लैमर, उसके फेस का क्वालिटी कैसा है, स्मार्ट है या नहीं, उसके शरीर हो गया, उसका सिर हो गया, उसके ब्रेन हो गया, उसके सिर के चोट हो गया, ये सारी चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते। अब हमने देखा यार इसके फर्स्ट हाउस तो 12th हाउस में जाके बैठा है, यानी उसके क्या हो रहा है, उसके लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है? शरीर का, रूप का, रूप यहाँ पर चोट की भी बातें हैं। सिर में चोट कब लगेगा? जब अष्टमेश लग्न में आ जाए, जब षष्ठेश लग्न में आ जाए, जब तृतीयेश लग्न में आ जाए, जब 11th हाउस का लॉर्ड लग्न में आ जाए, तो हम कहेंगे हाँ अब ये लग्न को कष्ट दे रहा है, यानी चोट लग रहा है, कोई ऐसी नहीं हो रही, चोट लग रहा है। अगर लग्न का मालिक द्वादश में जाता है तो लग्न से संबंधित चीजों का लॉस होगा। चोट लगना तो हालांकि स्वास्थ्य का लॉस तो है, हानि तो हो रही है, लेकिन प्रत्यक्ष लॉस उसको नहीं मानेगा। कोई चीज आ गया ना, व्याधि आ गया, उसको आ ही गया ना। तो सेकंड हाउस से देखिए जरा, अब यहाँ पर इसी तरह से मतलब कि ग्रह टू ग्रह, ग्रह से ग्रह देखना या हाउस से देखना। तो सेकंड हाउस से आप लिखिए आपके ताऊ जी, आपके अब जैसे कोई आपके सामने आ गया और वो कहता है अब आपने ना चमत्कार बताना है, आप उसके लिए कुछ ऐसे लिखिए। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह है, ये ग्रह। अब आपने कहना भाई आपके ताऊ जी का ऐसा होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में ट्रांजेक्शन में या अदरवाइज कुंडली में भी करके ट्रांजेक्शन ही इस वक्त के कंडीशन को बताता है। गोचर ग्रह जो होता है आज के वक्त की स्थिति को बताएगा। तो सेकंड हाउस में अगर कोई ऐसे नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है तो वह ताऊ जी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। अगर वो अष्टमेश हो तो ताऊ जी के स्वास्थ्य में बीमार ले आएगा, रोगे से षष्ठ का मालिक है तो रोग देगा, द्वादश का मालिक है तो ताऊ जी का धन नाश होगा, कोई लॉस होगा, चोरी होगा, कुछ होगा, फिर वो देखना है। दशमेश है जो आपके ताऊ जी की कुछ उसको बेनिफिट मिलेगा कर्म करने के लिए, काम वाम मिलेगा, तो बस भाव के हिसाब से आप में उसके बाद एक सूत्र आपने निकाला। जैसे अष्टमेश सेकंड हाउस में चला गया, इसका मतलब है ताऊ जी के लिए मृत्यु तुल्य एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट हम अष्टम से देखते हैं, तो मृत्यु तुल्य एक्सीडेंट है, आत्महत्या जैसी चीजें हैं अष्टम से देखते हैं, ठीक है जी। तो ताऊ जी के अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो अष्टम का मालिक जो सेकंड हाउस में जाकर के ताऊ जी के लिए ऐसा कुछ करने वाला है वो कर सकता है कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं। अगर अब वो जितना कमजोर होगा, हमने बस यहाँ यही देखना है कि इसमें कमजोरीपन कितना परसेंट है और अच्छाईपन परसेंटेज के हिसाब से अच्छाई ज़्यादा है तो वो अष्टमेश उसको इमीडिएटली अकस्मात धन देने वाला होगा, क्योंकि अकस्मात देता है, अकस्मात विदेश यात्रा, समुद्र का यात्रा कुछ ऐसे करेगा।
अगर लेकिन बुरी स्थिति उस ग्रह में, ग्रह या सेकंड हाउस में नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है और नेगेटिव प्रभाव का परसेंटेज ज्यादा है तो हम कहेंगे हाँ ताऊ जी के लिए ऐसा है। सर इसमें ये बताओ अगर अष्टम का मालिक जैसे मान लो मीन राशि है अष्टम के अंदर, और इसका मतलब अष्टम का मालिक जो है बृहस्पति जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हो, ये आप कह रहे हो सर ज्यादा खराब है, या बृहस्पति अष्टम घर में बैठा हुआ है और मीन राशि सेकंड हाउस के अंदर है वो ज्यादा खराब है? एक सेकंड फिर बोलना। सर बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और मीन राशि जो है वो एट्थ हाउस के अंदर है वो ज्यादा खराब सिचुएशन है सर, या बृहस्पति एट्थ हाउस के अंदर है और मीन राशि जो है सेकंड हाउस के अंदर है वो ज्यादा खराब सिचुएशन है? एट्थ हाउस में मीन राशि है और वह सेकंड हाउस में बैठा है। और एक चीज और बताता हूँ, एट्थ हाउस का कारक ग्रह है शनि। अब एट्थ हाउस के राशि का मालिक भी सेकंड हाउस में है और कहीं ना कहीं उसके कारक ग्रह शनि की नजर है वहां पर सेकंड हाउस में, या वो वहीं जाके बैठा हुआ है, या ट्रांजेक्शन में गोचर में वो बृहस्पति के नक्षत्र में जाके बैठ गया, समझ लो गया भी बंदा, क्योंकि अब यहाँ पुष्टि छाप ठोका मार रहा है वो मृत्यु का अष्टम का कारक ग्रह भी उस ताऊ के हाउस सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहा है, चाहे तो वो बृहस्पति के नक्षत्र में रह करके हो, चाहे तो वो सेकंड हाउस का जो राशि है उस राशि के उस राशि वाला जो नक्षत्र है उस नक्षत्र को भी अगर वो शनि प्रभावित करता है तो इसको देखना है। जो कारक ग्रह होता है उसका मार बड़ा जबरदस्त होता है, अच्छा या बुरा। सेकंड हाउस में देखो आप जितना मुझे कुछ, मेरे अंदर ज्योतिष के बहुत चीजें भरी हुई है लेकिन कभी कभी पढ़ाते वक्त चीजें दिमाग में नहीं आता, आप पूछोगे दिमाग से निकल जाएगा। अभी आपने पूछा सूत्र एक आ गया, पारस ऋषि का जबरदस्त सूत्र है ये, कोई भी हाउस का मालिक किसी हाउस में बैठता है चाहे वो अच्छे या बुरे हाउस का, जैसे मान लीजिए अभी हम बात कर रहे अष्टम भाव का मालिक एट हाउस का मालिक है बृहस्पति, सेकंड हाउस में जाके बैठ गया और हमने कहा कि इसके ताऊ के लिए अब ये कष्टकारी है, कष्टकारी चेक करने के लिए हमने बृहस्पति के बल को देखना है, उसके मतलब वो कितना संक्रमण करने वाला है, अच्छा है या बुरा है, षडबल में बढ़िया है भीमसुपक में वो हम बाद में सीखेंगे, हालांकि तो सभी अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब बृहस्पति सेकंड हाउस में जाके बुरा तो नहीं करने वाला है, मगर अगर अष्टम का कारक शनि भी सेकंड हाउस में है या उसकी भी नजर है, और वह शनि की जो नजर अष्टम के कारक है उसकी नजर है तो बृहस्पति को वो संकीर्ण कर देगा, क्योंकि अष्टम का कारक है उसमें बल ज्यादा है, बृहस्पति से ज्यादा बल शनि में है, क्योंकि बृहस्पति तो उस हिसाब से भाव का मालिक है लेकिन शनि तो हमेशा के लिए उसका कारक है, अष्टम का मृत्यु का कारक ही शनि है। अब शनि यहां पर कई सारी चीजें देखना है, शनि उस हाउस में देखता है तो यह उसके ताऊ के लिए कमजोरी है, शनि उस सेकंड हाउस के जो राशि का जो नक्षत्र है वहां पर गोचर में जा रहा है तो ये वक्त उसके ताऊ के लिए और ज्यादा घातक है, शनि उस व्यक्ति के अष्टम स्थान में बैठा हुआ है ट्रांजेक्शन में, क्योंकि शनि का नजर बड़ा खतरनाक है, शनि जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के गुणों को बढ़ाता है, जिस हाउस को देखता है उस हाउस को बर्बाद कर देता है, शनि की नजर बुरा है। बृहस्पति जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के फल को बढ़ाता है, जहां पर उस हाउस के फल को घटाता है, जहां देखता है उस हाउस के फल को बढ़ाता है, बृहस्पति की नजर अच्छा है लेकिन जहां बैठता है उसको कमजोर करता है, शनि की नजर बुरा है जहां बैठता है उसको अच्छा करता है। अब देखो शनि अष्टम में अगर बैठ करके सेकंड हाउस, क्योंकि अष्टम से सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस होगा, अनिल जी होगा कि नहीं होगा, अष्टम से सातवें नंबर में सेकंड हाउस आता है,
तो शनि की नजर बुरी हो गई, हो गई कि नहीं हुई? हो गई ना, शनि की दृष्टि हुई। तो अब बारहवीं का मालिक, अष्टम का मालिक बृहस्पति सेकंड में बैठ गया, एक ये बुरा हो गया। शनि अष्टम में बैठा हुआ है, उसकी नजर सेकंड में चला गया ताऊ के लिए, दूसरा डंडा बज गया। अब शनि यदि नेगेटिव ग्रहों के से प्रभावित, क्योंकि उसकी नजर कितनी बुरी है भाई, देखने वाला आदमी स्वयं कैसा है, एक तो हाँ ठीक है वो पापी, अगर वो राहु उसके साथ है, केतु के साथ है, नीच क्या कहते हैं मंगल, नीच मंगल की दृष्टि है, कोई नीच ग्रहों की शनि में दृष्टि है, तो उसके प्रभाव से प्रभावित द्वादशेश के साथ बैठा हुआ है। निधि जी आ रहा है समझ में मेरी बात? थोड़ा थोड़ा घुस रहा है। देखो फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में बृहस्पति जाके बैठा है जो अष्टम का मालिक है। तो अष्टमेश क्या है, बहुत मृत्यु देने वाला, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है। तो सेकंड हाउस से हम ताऊ को देख रहे हैं अभी, तो पहले बात हमने क्या देखा, बृहस्पति अष्टम का मालिक होकर के सेकंड में बैठ गया। अच्छा ठीक है, एक बात हो गया। अब हम इसको बुरा मानेंगे, लेकिन बुरा मानने से पहले हमने एक कंडीशन रखना है कि बृहस्पति अच्छा है या नहीं है। अष्टम में हो, अष्टम का मालिक होने मात्र से बुरा होगा ये भी कंपलसरी नहीं है। षडबल में बहुत अच्छा है, नवांश में उच्च होके बैठा है, उसका क्या कहते हैं षष्ठांश में भी, वो हम बाद में सीखेंगे, दूसरे कुंडलियों में अच्छा है, चंद्र कुंडली से अच्छे भाव में बैठा हुआ है, चंद्र कुंडली में अच्छे योगों में बैठा हुआ है, इसका मतलब बृहस्पति अच्छा है। लेकिन डी वन चार्ट जन्म कुंडली में बृहस्पति अष्टमेश होकर के वहां बैठ गया। लेकिन अब ये तो हो गया भाई, बृहस्पति की एक नजर हमने देखा और ये कोई ज्यादा घातक तो नहीं है, बृहस्पति तो नवांश में भी अच्छा है, चंद्र कुंडली से शुभ स्थान में बैठा हुआ, इसका मतलब बृहस्पति खराब तो नहीं। लेकिन दूसरे नंबर में हमने अब यहाँ देखा कि शनि अष्टम में बैठा है, और हमने देखा कि भाई अब देखो जरा, अभी हमने क्या बोला था, ताऊ के लिए तो बैंड बज गई, क्योंकि बृहस्पति जहां बैठता है उस भाव को क्या करता है, कम करता है, भाव को खराब कर देता है। तो बृहस्पति सेकंड में बैठ गया, चाहे अब यह बृहस्पति जितना ही अच्छा क्यों ना, उसकी वहां रहने मात्र से खराब होता है, तो कुछ खराब तो है, ताऊ को खराब करेगा। अष्टम में बैठा हुआ शनि है, शनि की नजर है तो शनि की नजर ही बुरा है, तो होने से ताऊ को और ज्यादा परेशानी हो गई। अब अगर इस अष्टम को द्वादशेश देखता है, क्योंकि अब ये अष्टम को हमने, अष्टम में बैठा हुआ जो शनि है जिसकी नजर है सेकंड हाउस में, उस अष्टमेश उस शनि में हमने ये देखना है कि कितने बुरे ग्रहों का प्रभाव है। द्वादशेश का है गया, डूब गया वो, अब बारह यानी लॉस का मालिक है वो, जो है शनि बारहवें के साथ बैठकर या बारहवें के द्वारा देखे गया है, और वो उसके नजर को लेकर के सेकंड हाउस में अपनी प्रकोपित, अपनी खराब वाला नजर से देख रहा है सेकंड हाउस में, तो कहीं से भी ताऊ के लिए खराबी है। अब ये सिर्फ ताऊ ही नहीं बल्कि साली के लिए भी खराब है। तो लिखिए जरा, अब इसी तरह से हमने सूत्र लगाने, सेकंड हाउस से साली को भी देखना है, जैसे अनिल जी की साली होंगे तो साली का क्या कंडीशन है, सेकंड हाउस से देखेंगे। समधी जी, अनिल जी के समधी जी, अविनाश जी के समधी जी, उनके तबियत कैसा है सेकंड हाउस। नंद जवाई साहब, जीजा जी, सेकंड हाउस से प्राइमरी एजुकेशन, ये हम सेकंड हाउस से देखेंगे। बाकी धन और वाणी तो है, ये इसका प्रमुख कारक है, बाकी ये सारी चीजें भी देखना है ताकि आप उस व्यक्ति को प्रभावित कर सको। अरे यार आपके तो, आपके साली का ये हो रहा है, अगला कहेगा सर मेरे कुंडली से मेरे साली को भी पता चल जाता है, तो वो आपके सामने और चार लोग लेके आएंगे, हो सकता है वो साली को ही लेके आए। थर्ड हाउस से हम देखेंगे मामा, और मामा का दुख, थर्ड हाउस से हम देखेंगे मामा का दुख, मामा का दुख। कुछ लोग फिफ्थ हाउस से, सिक्स हाउस से मामा देखते हैं, और कुछ लोग थर्ड हाउस से मामा देखते हैं। इच्छा पराक्रम सास और भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई 11th हाउस से, छोटा भाई
थर्ड हाउस से, तो इच्छा पराक्रम साहस और भाई तो हमने कहां से देखना है, थर्ड से, ये तो है ही, ये तो मुख्य है। उसके साथ साथ में मामा का दुख भी थर्ड से देखना है। फोर्थ हाउस से मन माता जमीन और विचार, ये तो है ही प्रमुख है। उस व्यक्ति का विचार कैसा है इसको जानने के लिए फोर्थ हाउस चलाओ। फोर्थ हाउस से कितने हाउस आगे, फोर्थ हाउस में कौन कौन से ग्रह है और उससे कितने आगे नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है, तो वो सारी चीजें आपको पता चलेगा। अब ग्रह के हिसाब से चलाने के लिए फोर्थ हाउस से हमने पेट के रोग, पेट के रोग, मित्र, आपके मित्र कैसे हैं, किस टाइप का मित्र है, तो फोर्थ हाउस में जिस तरह के भी ग्रहों का प्रभाव होगा वैसे उसका मित्र होंगे। इसका कारक ग्रह है चंद्रमा, शुक्र और मंगल, फोर्थ हाउस का कारक। सेकंड हाउस का कारक है बुध और बृहस्पति, थर्ड हाउस का कारक है मंगल। अब किसी के अगर आपने पराक्रम चेक करना है तो मंगल से देख लो, मंगल कहां बैठा है, और थर्ड हाउस भी देख लो, एंगल को घुमाते हुए देखना। लेकिन सर अगर मंगल किसी ऐसे घर में हो जहाँ पे मतलब पराक्रम का कोई सेंस इतना ना लग रहा हो, मान लो 11वें घर में हो, हाँ, तो वहां से कैसे देखेंगे सर उसका पराक्रम? नहीं, 11वें हाउस में तो है लेकिन कारक ही मंगल है ना, कारक मंगल है, उस मंगल में कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है उसको देखना है ना। अगर बृहस्पति का प्रभाव है मंगल में जो 11वें हाउस में बैठा हुआ है तो बंदा मेहनती होगा, क्योंकि 11वें हाउस कर्म है, आया है, आया 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 का मतलब है इनकम का स्रोत है, तो हम कहेंगे थर्ड हाउस का मालिक 11वें में बैठा हुआ है तो ये आदमी अपने आर्थिक उन्नति के लिए मेहनत करता है, बन गए, और सकारात्मक मेहनत करता है क्योंकि बृहस्पति। अगर कुछ जैसे थर्ड हाउस का मालिक शनि हो करके वहां बैठता कहां 11वें हाउस में, तो हम कहते ये एन के न प्रकार किसी भी तरह से छोटे बड़े जैसे भी मिल जाए हर तरह के काम करके पैसे कमाने के लिए सोचता है, क्योंकि वो वहां जो 11वें है तो वो लाभ की बात है तो लाभ सोचना। थर्ड का मालिक 10वें में जाता है तो पक्की बात है कि इसका पराक्रम, इसका जो है कि इच्छा शक्ति, इसका साहस कुछ काम करने के लिए। थर्ड का मालिक द्वादश में जाता है तो निरा निठल आलसी, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है व्यय है, खराब है, आलस्यपन है कुछ। या सर ये भी कह सकते हैं कि जो भी मेहनत कर रहा है वो सब वेस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है, हाँ ये भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, मेहनत मेहनत तो अगर 10वें हाउस का मालिक 12वें में बैठता है तो हम कहेंगे कि आपका, क्योंकि थर्ड हाउस का मालिक अगर 12वें में जाता है तो काम चोर हम कहते हैं ना, क्योंकि पराक्रम जाकर के 12वें बैठ रहा है। सचेता जी, जो पराक्रम से बचे छुप करके रहे तो उसको हम कहेंगे हाँ भाई ये तो काम चोर है, आलसी है। 10वें हाउस का मालिक 12वें में जाके बैठता है तो सीधे ही कहना है कि आप विदेश में जाके काम कर सकते हो, इस देश में आपका कोई खास नहीं, काम को लेकर के मारामारी, लॉस। कुछ लोगों का ऐसा मानना है अगर 12वें हाउस में कर्मेश जाके बैठता है, लग्नेश जाके बैठता है तो अपने देश में वो सफल नहीं होता, लेकिन जैसे वो विदेश में जाएगा तो वो ग्रह वहां जाते एक्टिव हो जाता है, ऐसे कुछ लाल किताब वाले बताते, इसके ऊपर आप लोग काम कर सकते। ठीक है, तो पेट के रोग, मित्र, खेती, 10वें क्लास का, क्लास तक का जो एजुकेशन है वो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है, कल से हम फिफ्थ हाउस से उधर बात करेंगे और साथ साथ में हम कैसे एनालाइज करेंगे कुंडली देखने की विधि। मंगल 5 घर में हो तो 5 घर में, फिफ्थ हाउस में मंगल है, कहाँ का मालिक है, कहाँ का है मालिक,
कुंडली भेज दू ये महीने मनोज जी अब बताइए मंगल कहाँ का मालिक है? देखो ये सेवंथ का मालिक है मंगल, ट्वेल्थ का मालिक है मंगल, एक मारके से और एक द्वादशेष। द्वादशेष तो पर राशि फलदायक हो गया, सेवंथ का मालिक है और उसमें केतु बैठा हुआ है और रोगेश है शुक्र वो बैठा है। अब इस मंगल में केतु और रोगेश शुक्र का प्रभाव है क्योंकि शुक्र जो है इनका एक तो लगने से राहु स्थित राशि और दूसरा शनि स्थित राशि अथवा रोगेश शुक्र लग्न सेवंथ में बैठा हुआ है। मंगल मंगल में शुक्र और केतु का प्रभाव है द्वादशेष है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है राहु का नजर है, इसके दोनों साइड में शनि और राहु बैठा हुआ है। तो यह जिसका भी कुंडली है मंगल इस व्यक्ति के पेट में कुछ उथल कर देगा। कन्या राशि है, कन्या राशि में और उस राशि का जो मालिक है बुध, बुध अष्टम में बैठा हुआ है और अष्टम में अस्त है और ये बकरी भी है तो अष्टम स्थान में बैठा हुआ जो है चतुर्थ का मालिक है सूर्य। ये किसका कुंडली है? ये मंगल तो इसके पेट में तहस नहस कर रहा है, इसके स्पर्म अगर लेडीज है तो संतान ना होने से संबंधित समस्या क्रिएट कर रहा है, अगर पुरुष है तो उसके पेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कौन है ये? मनोज जी जी पत्नी की है गुरु जी। हाँ तो पत्नी का है तो पत्नी का देखो मंगल सर। हाँ जी इसमें आपने बोला कि मंगल का मालिक इसे मालिक कैसे हम पहचानेंगे? जैसे आपने अभी बताया था मेष है तो उसका मंगल होता है और वृश्चिक में भी आठ में भी मंगल है, तो यहाँ पे मंगल का मालिक कौन कैसे डिसाइड करता है? नहीं, मंगल तो मेष और वृश्चिक का मालिक हो गया ना। हाँ तो इस कुंडली में जैसे आप बता रहे हैं ना कि मंगल का मालिक, तो मंगल का मालिक नहीं कह रहा हूँ, उन राशि का मालिक हाँ। मंगल कह रहा हूँ। अच्छा मंगल का मालिक कोई नहीं होगा, मंगल तो खुद मालिक है, राशि के मालिक हाँ। होते हैं मेष और वृश्चिक हाँ। का मालिक है मंगल। अब देखो हाँ। जरा मेष राशि अभी हम पढ़ रहे थे ना सूत्र दूसरा सेकंड और ट्वेल्थ हाउस का जो मालिक है वो पर राशि फलदायक हाँ। तो यहाँ पर इसके पर राशि कहाँ पर है नीति जी बताइए? सेकंड हाउस इसका ये सेकंड अनिल जी बताइए। हाँ सर पर राशि फलदायी मेरी यानी क्या मुझे पता नहीं। दो और बारह चार तीन नंबर लिखा है। पर राशि का मतलब है सेकंड हाउस और ट्वेल्थ हाउस एक राशि, जहाँ तीन लिखा है और जहाँ पे एक लिखा है वो पर राशि में आएगा। एक जो लिखा हुआ है उस राशि का जो मालिक है उस मालिक का दूसरा राशि अगर कहीं बाहर है तो वो पर राशि होगा। जैसे ट्वेल्थ हाउस में मेष है हाँ। का मालिक है मंगल हाँ। का दूसरा राशि कहाँ है? सेवंथ हाउस पर राशि हो गया। सेकंड हाउस में मिथुन राशि है, मिथुन राशि का मालिक है बुध, बुध के दो राशि है, एक कन्या भी है, कन्या फिफ्थ हाउस में है तो बुध का पर राशि कौन हो गया? फिफ्थ हाउस का राशि यानी कन्या कहाँ है? फिफ्थ हाउस में है। जब भी कभी बुध की बात होगी तो वह बुध किसको नष्ट करेगा? फिफ्थ हाउस को करेगा। फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? गर्भ देखते हैं। अब इनके बुध देखिए जरा, क्योंकि पर राशि है ये शनि को तो ये संपत्ति और बाणी को तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि दूसरा और बारहवीं का मालिक
पर राशि के यानी कि अपने दूसरे राशि के फल को इंगित करेगा, दिखाएगा। तो बुध का एक राशि है सेकंड हाउस, पर राशि देखना है वही के फल दिखाएगा ये। तो फिफ्थ हाउस में इसका दूसरा राशि है बुध का, कन्या राशि। अब वो कन्या राशि का मालिक है बुध। अब हमने देखना है बुध कहाँ बैठा है। बुध अस्त है, बकरी है, अष्टमेश बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति पूरी तरह से खराब है। मंगल का नजर है, मंगल द्वादशेश है। मंगल देख रहा है कि नहीं देख रहा है? मनोज जी को पता है, निधि जी को नहीं पता, अभी हमने दृष्टि नहीं पढ़ा। अनिल जी को पता? हाँ, देख रहा हूँ। मंगल के चौथी दृष्टि बुध में है। तो मंगल देखो जरा, इस गर्भ को देने वाला, गर्भ को रखने वाला जो बुध है, उस बुध के ऊपर मंगल का, क्योंकि मंगल भी पर राशि फलदायक है, एक तो द्वादशी से और दूसरा फल देने के मामले में सप्तम है, और समस्या देने के मामले में सप्तम और द्वादश है। तो समस्या द्वादश ट्वेल्थ हाउस के हिसाब से लॉस वाला फल दे रहा है फिफ्थ को। तो फिफ्थ यानी गर्भ, संतान, एजुकेशन। तो मनोज जी के बच्चा नहीं हुआ कोई भी, है ना मनोज जी? जी हाँ बोल। कुछ भी बच्चा सर, इनकी सर इनकी और इनकी पत्नी की बनती भी नहीं होगी क्या? नहीं, पत्नी को, पत्नी और इनकी तो इसीलिए बन सकता है क्योंकि मंगल एक तो त्रिकोणेश केंद्रेश है, केंद्रेश पापी जो है वह पापी नहीं रहता, मगर शुभ भी नहीं रहता। लेकिन शुक्र से पत्नी के साथ इनका बनता है, इसीलिए बनता है क्योंकि इनके मंगल जो है फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र इनके जो पत्नी का कारक जो ग्रह है शुक्र, वो सेवंथ में बैठा हुआ है। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी बन ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मनोज जी? जी बनता है गुरुजी, अच्छे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तरह से जमता है। हाँ बनता है क्योंकि जो शुक्र है, शुक्र सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है, मंगल फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो उनके स्वभाव को ना थोड़ा सा, इनके पत्नी को बहुत ज्यादा वैसे नहीं ना कर रहा है, सारे के सारे ग्रह इनके शरीर में एक हीन भावना पैदा करता है, लड़ाई करने वाली बुद्धि नहीं है उनका, तो कैसे हो? जी बराबर है। लड़ाई वही करेगा जिसके अंदर गुरूर होगा। तो गुरूर देने वाले यहाँ कोई ग्रह है ही नहीं, लगने में राहु बैठ करके इनका जो है शरीर को वो कर रहा है, इनके मनोबल को कम कर रहा है। फिफ्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ, संतान गर्भ में नहीं दे रहा है, तो एक स्त्री इतने सालों से बच्चा ना हो तो वैसे ही परिवार में उनका मनोबल वैसे ही टूट जाता है। तो सारे के सारे बुध और बृहस्पति ये एक शुभ ग्रह है, विचार को सामंजस्य करने वाले, ये भी अच्छे पोजीशन में नहीं है, तो मनोबल गिरा हुआ है। तो मनोबल जब गिर जाता है तो बंदा फिर झगड़ा करने के मूड में नहीं होता। मनोज जी सही कह रहा हूँ कि नहीं? जी हाँ गुरु जी बराबर है। हाँ ये बात है, हमें यह भी देखना है ना कि मनोबल कैसा है। अगर ये मंगल की नजर सेवंथ में होता तो फिर हम कहीं ना कहीं कहते कि हाँ यार ये तो अब खराब कर, द्वादशी से सप्तम को नाश कर रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर शुक्र सिक्स्थ का मालिक है, सेवंथ में बैठा है, तो पति के लिए खराब है, पति के लिए खराब है। स्पर्म की क्वालिटी को शनि देखो जरा कितना बुरा हाल कर रहा है, तुला राशि का शनि है। हाँ चंद्रमा है, चंद्रमा को भी शनि ने आकर के अपने रुक्ष वायु बढ़ा करके शुक्र के घर को तहस नहस कर दिया, शुक्र के दूसरे घर को राहु ने कर दिया। तो मनोज जी के जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी को शनि और राहु दोनों मिलकर के चूस लिया। चंद्रमा भी कफ कारक है, स्पर्म को बढ़ाता है शरीर में, ओज बल तेज को देता है, तीसरे का मालिक है। और तीसरा जो है पराक्रम है, इच्छा शक्ति है। चंद्रमा वो रोग स्थान में शनि के पास बैठ गया, किसी शुभ ग्रह की नजर नहीं है।
तो मनोज जी एक बार होपलेस हो गए थे, क्या करूं क्या ना करूं, इनको पता ही नहीं चल पा रहा था कुछ। लेकिन बाद में धीरे धीरे शायद इनमें अभी कुछ कर रही है, कुछ कर रहे तो शायद इनमें, अदरवाइज अभी भी इनमें हौसला नहीं है मनोज जी, इनमें अभी भी लगता नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि तीसरे पराक्रम देने वाला चंद्रमा है। चंद्रमा आपको वैसे पता है बड़ा भीरू होता है, और वो भी जाकर के शनि जो है उसके सारा का सारा उम्मीद को चूस रहा है। जी इस पर कोई उपाय होगा ना गुरु जी? अब देखो उपाय जो है वो तो उपाय के ऊपर हम करेंगे बात, अभी तो जस्ट यहाँ पर। चलिए जी फिर, नमस्कार, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे कल परसों या कभी भी परसों।